ठंड के इस मौसम में अब कोहरे की शुरुआत हो गई है और कोहरे के बीच हादसों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ठंड के इस मौसम में आज कोहरे की पहली चादर दिखने लगी है और अभी भी मौसम पूरी तरीके से धुंधला है। सीतापुर जनपद के थाना रेउसा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप में आमने सामने जोरदार टक्कर होती है। बीती रात टक्कर इतनी तेज होती है कि ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप दोनों जलकर राख हो जाते हैं। इस हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिन्हें ट्रामा सेंटर रेफर किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा। तो अमरीश, बताएं ये रेउसा क्षेत्र में हादसा कहाँ होता है और कौन वो दो युवक हैं जो घायल हो जाते हैं? फिलहाल ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप में क्या लगा था जैसे कि आंख के आगोश में आ गया? जी, ये घटना रेउसा तंबौर मार्ग पर की है जो बीती बुधवार को हुआ। ये कोहरे के कारण हादसा होना बताया जा रहा है, जिसमें गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की प्लाई लेकर जा रही पिकअप से आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में आग लग गई और पिकअप के साथ ट्रैक्टर भी जलकर राख हो गया है। बताया जाता है ट्रैक्टर चालक युवक व उसका साथी घायल है, जिसे रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रात में ही ट्रामा सेंटर बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया था। घटना के अनुसार रेउसा के मरखापुर गांव निवासी अमित यादव पुत्र रामस्वरूप अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव के ही मोतीलाल पुत्र माधव के साथ उनका गन्ना लेकर पेहटा जा रहे थे। रेउसा तंबौर मार्ग पर खुरवलिया और भिठौली गांव के मध्य तंबौर से प्लाई लेकर जा रही एक पिकअप से उसकी जोरदार आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया जाता है दुर्घटना में घायल ट्रैक्टर चालक अमित यादव पुत्र रामस्वरूप और उनके साथी मोतीलाल पुत्र माधव को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा ले जाया गया, जहां से दोनों को ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। दुर्घटना के कुछ देर बाद पिकअप में आग लग गई और वह धू धू कर जलने लगी। पिकअप की आग की चपेट में आकर ट्रैक्टर भी जल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी के द्वारा आग को बुझाया गया। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और रेउसा पुलिस द्वारा जली हुई पिकअप और उसके चालक का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बिल्कुल अमरीश, जैसा कि मैंने बताया कि देर रात का यह हादसा है और कोहरे की चपेट में आने से जो है दो, यानी कि कोहरे की जो चादर थी उसमें धुंधला था तो दिखाई नहीं दिया होगा, आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ने में जो है गन्ना लगा था और पिकअप में ये जो आपने बताया कि प्लाई, तो ये कहाँ से प्लाई ला रहे थे? ये प्लाई का जो व्यवसाय है ज्यादातर तंबौर में होता है। बताया जाता है वो पिकअप तंबौर से ही लदकर कहीं जा रही थी और ये गन्ना रेउसा क्षेत्र से जा रहा था जो पेहटा के पास लगे किसी प्लाई ये गन्ने की फैक्ट्री में बेचने के लिए किसान लेकर जा रहा था। जी बिल्कुल, इसके चलते दो जो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे वो घायल हुए। जी, दोनों युवक जो ट्रैक्टर पर सवार थे, ट्रैक्टर चालक है अमित यादव और दूसरा जो उसका साथी जिसका गन्ना था वो घायल हुआ है। दोनों लोग जो मोतीलाल का गन्ना था वो साथ में जा रहा था और अमित जो ट्रैक्टर चला रहा था, दोनों युवक घायल हुए हैं और वो ट्रैक्टर में फंस गए थे। वहां से निकलने वाले ट्रक चालकों के द्वारा और वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा उनको बड़ी मशक्कत के साथ रात में निकाला गया। एम्बुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए रात में ही उन्हें ट्रामा सेंटर बहराइच भेज दिया गया है। वहीं जो पिकअप का चालक है उसका पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस के द्वारा भी बताया गया है कि पिकअप की जानकारी की जा रही है। पिकअप पूरी तरह से जल गई है। अमरीश, कितनी दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची थी मौके पे? जी, वो तो रात में ही पहुंच गई थी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, 112 पुलिस के द्वारा वहां पर घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग ने रात में आग को बुझाया है, लेकिन उसके जाने के बाद फिर से वो जो प्लाई थी वो बुझी नहीं थी, वो सुबह भी जलती हुई देखी गई। जैसा कि वीडियो आपको भेजा गया है उसमें आप देख सकते हैं कि दिन में भी वो प्लाई जो लदी हुई थी वो जल रही है, जबकि पिकअप पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। जी बिल्कुल, पिकअप पूरी तरीके से राख हो गई है। रात में ही दमकल विभाग ने बुझाया था, लेकिन फिर भी अभी जो आप इंडिया के स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे कि किस तरह से सुबह का ये वीडियो है जिसमें प्लाई अभी भी धू धू कर जल रही है। फिलहाल दमकल विभाग ने कैसे बुझाया ये उसका विषय, लेकिन अभी भी जो है आग की लपटे प्लाई में लगी हुई है और प्लाई धू धू कर जल रही। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के रेउसा क्षेत्र के खुरवलिया और भिटौली गांव ये तंबौर मार्ग पर पड़ता है। बीती देर रात कोहरे के कारण एक हादसा हो जाता है और इसमें गन्ना से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप जो है वो प्लाई लेकर आ रही थी, दोनों के आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद ट्रक चालक और ट्रक पर सॉरी समझ जाते हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसमें चालक और उसके में एक सवार एक युवक, दोनों लोग जो है फंस जाते हैं, जिसके बाद ट्रैक्टर और पिकअप धू धू कर जलने लगती है। पिकअप का चालक मौके से फरार हो जाता है और वहीं ट्रैक्टर जो राहगीर थे, जो मौजूद वहां के ग्रामीण लोग थे, जब आग देखते हैं जलती है तत्काल एम्बुलेंस और डायल 112 पुलिस की मदद से सीएससी रेउसा भेजते हैं, जहां पर गंभीर हालत में उन्हें बहराइच ट्रामा सेंटर रेफर किया जाता है। फिलहाल जो रेउसा पुलिस है वो कह रहे हैं कि पिकअप पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है, इसके चालक का पता चला किया जा रहा है और उचित कार्रवाई जाँच कर की जाएगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अमरीश आपका धन्यवाद।
आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।